खरा वृंदावन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप माथुर द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। प्रदीप माथुर ने लोगों के घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप माथुर ने कैलाश नगर, गुरु नानक नगर, बादलपुर, तुलसी नगर सहित कई कॉलोनियों में जनसंपर्क किया और लोगों से मथुरा वृंदावन के विकास के नाम पर अपने लिए समर्थन मांगा। इस दौरान प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के साथ जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निगम का काम है, मेरा काम है पुल बनवाना, मुर्गा फाटा का पुल बनवाया, जमुना का पुल बनवाया, वो जन्मभूमि जाने वाला पुल बनवाया, छठीगढ़ राधा पुल जाने वाला पुल बनवाया, यमुना नदी पर दूसरा पुल बनवाया, ये मछली फाटे पर दूसरा पुल बनवाया, गोकुल बैराज बनवाया, जन्मभूमि के पास पुल बनवाया, बस स्टैंड बनवाया। जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मामले वो तो एम एल ए करता है, और जो सड़कें अच्छा बड़ी सड़कें बनवाने का सारी फोर लेनिंग करा दी, आप कैसे करते रेडियो स्टेशन का 10 KV करा दिया, वृंदावन में फूलों की मंडी बनवा दी, समझ गए, वहाँ एक लिंक रोड बनवा दी, आप लिंक वाला पुल बनवा दिया, डांगोली मार्ग आपका स्टेट हाईवे से कनेक्ट करा दिया, एक्सप्रेस वे से। ये काम तो एम एल ए के होते हैं, पार्टी के काम क्या होते हैं, पानी की व्यवस्था, गाड़ी व्यवस्था, ये मैंने काम कराया 300 का। अच्छा ये बिजली का लग रहा है, काउंटिंग का ये 300 का होगा। तो अभी लोगों को ये फर्क नहीं पता कि एमपी कुछ नहीं करता, एमपी सिर्फ भाषण देता है, एमपी के हाथ में कुछ नहीं होता, ना तो स्टेट गवर्नमेंट होती, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा पैसा नहीं खर्च करती, कुल 5-6 रेलवे में खर्च होती है, टेली कम्युनिकेशन में। तो लोग ये समझते हैं कि एमएलए भी वही काम करेगा, पार्षद भी वही काम करेगा और एमपी भी वही काम करेगा। पानी सारी जगह से लीकेज हो रहे हैं। हम आप जैसा है अभी झेली है।